नमस्कार, सीतामढ़ी भव्यपुर पार्क से वॉइस ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं हूँ सलमान सागर। इस वक्त सीतामढ़ी के पार्क का सीतामढ़ी के DM डॉक्टर रंजीत कुमार निरीक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनका निरीक्षण किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि आप जितने भी ज़िला है बिहार में, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर उनके उन ज़िला में जो पार्क है उनकी स्थिति जो है वो सीतामढ़ी के पार्क से बेहतर है, अच्छी है। लेकिन सीतामढ़ी का जो पार्क है, जहाँ सुबह में लोग मॉर्निंग वॉकिंग करने के लिए आते हैं, वहाँ टहलते हैं और अपने दिन भर की दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, तो वो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और इसी कड़ी में आज सीतामढ़ी के जो DM है डॉक्टर रंजीत कुमार, वो सीतामढ़ी के पार्क में है और ये घूम करके चारों तरफ जो पथ बने हुए हैं पैदल चलने के लिए, वहाँ पर ये घूम रहे हैं और घूम करके निरीक्षण कर रहे हैं कि कहाँ किन किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है और क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए। अभी से पहले सीतामढ़ी के पार्क पर उस तरह की निगाह दूसरे किसी प्राधिकारियों की नहीं गई है। मैं आपको बताऊं कि सीतामढ़ी के DM जो हमेशा काम करने के लिए, दिन रात मेहनत करने के लिए जाने जाते हैं और नौजवान हैं, यूथ हैं और नौजवानों की प्रेरणा भी है। ये सीतामढ़ी का पार्क है, मैं आपको दिखला सकता हूँ। मैं कुछ देर के मैं चलूँगा, DM साहब के पास भी चलूँगा और जानूँगा कि उनकी क्या क्या योजनाएँ हैं और पार्क को किस तरह से खूबसूरत करेंगे और इसे या फिर इसका जीर्णोद्धार करेंगे। ये बहुत बड़ी गलती किया है। गलती क्या किया, बंद हो गया। सर, क्या लग रही है हालत सीतामढ़ी का, जो ये पार्क है, ये जो उद्यान है, इसकी जो हालत देख रहे हैं आप, कैसी हालत है? हालत बहुत पहले बदतर थी, अभी बहुत कुछ सुधर रहा है और आने वाले एक महीना में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा यह पार्क और लोग इसमें बिना किसी फियर के यहाँ वॉक कर सकते हैं, बच्चे यहाँ के पिकनिक मना सकते हैं, इसकी व्यवस्था की जा रही है। आने वाले समय में इसमें बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। जैसे क्या क्या अच्छा होने जा रहा है सर? यहाँ पे हम लोग वोटिंग भी करवाएंगे, पूरा चार दीवारी को सुरक्षित करेंगे और वाटर फ्लावर से लेकर पूरी शौचालय सब कुछ व्यवस्था होगी। महिलाओं के लिए भी अलग से अगर उनको गेट टुगेदर करना है उसके लिए किया जाएगा और साथ में पूरी तरह से जो हमारी कमेटी है वो फंक्शनल हो जाएगी। और महिलाओं के लिए अलग शौचालय, पुरुषों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था तो बन रही है, हो रही है। साथ में उनको अगर कहीं बैठना हो कैफेटेरिया की व्यवस्था होगी, नाश्ते भी अंदर मिलेंगे, पूरी तरह से आधुनिक पार्क की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कब तक की योजना है ये? एक महीना बाद आप देखेंगे इसका लुक बदल चुका होगा, हालांकि इसमें समय लगेगा 3-4 महीने, लेकिन हम एक महीना में पूरी तरह से लोगों के घूमने लायक बना देंगे। ये बहुत अच्छी पहल है जनाब DM साहब डॉक्टर रंजीत कुमार साहब की कि सीतामढ़ी का जो पार्क है, जिसकी हालत बिल्कुल ख़राब थी बिहार में, निचले पायदान पर थी, लेकिन दिन ब दिन अब सुधार होते जा रहा है और उन्होंने कहा है कि अगले 2-3 महीनों तक इसकी हालत ऐसी हो जाएंगी कि लोग खिंचे हुए यहाँ तक चले आएंगे। और अभी कुछ बातें हो रही थी आपके द्वारा सीतामढ़ी जानकी स्टेडियम के बारे में सर। जैसे हमारे सीतामढ़ी में बहुत सारे अच्छे सेट है, उसमें से एक हमारा यह नगर उद्यान है, जानकी हमारे इंडोर स्टेडियम है, हवाई अड्डा मैदान है। ये तीन ऐसे एसेट है जिसको कि हम लोग लोगों को दिखा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सपोजर विजिट करवा सकते हैं। जानकी उद्यान जो है वो बिहार का पहला जानकी उद्यान नहीं बल्कि जानकी इंडोर स्टेडियम, जिसको ISO सर्टिफिकेशन मिला है। यहाँ पे RF कार्ड के द्वारा ही एंट्री हो सकती है, दूसरा कोई भी अनधिकृत व्यक्ति एंट्री भी तक नहीं कर सकता है। और एक साथ जो है वो जिम के साथ साथ वहाँ पे TT, कैरम, बैडमिंटन सभी सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। VIP पवेलियन का ही प्रोविजन है, आने वाले 3-4 महीने में बनाया जाएगा। तो गेट बंद की बात चल रही है तुम लोगों का? कहाँ? अच्छा ठीक है, तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो? रिजल्ट आया कोई? खूब पढ़ो, ठीक है, एक दिन तुम लोग को पढ़ाने हम आएंगे। ये जब ओपनिंग करने वाले हैं अभी, तो तुम लोग को पढ़ाने हम एक दिन आएंगे, ठीक है, करियर काउंसलिंग के लिए। अब पढ़ के कुछ इतना कर जाना है कि लोग फिर याद करें इस जगह को, ठीक है। चलो आएंगे, वो तो मिलेंगे तुम्हारे प्रीफेक्ट से, अभी नहीं तो बात। और हमारे साथ यहाँ पर आए थे अंबेडकर छात्रावास सीतामढ़ी, जो सीतामढ़ी पार्क के पास में है, यहाँ के कुछ बच्चे हैं, इनके लिए छात्रावास बन रहा है, अंबेडकर छात्रावास, काफी खूबसूरत छात्रावास है।
और क्या बातें हुई हैं डीएम साहब से अभी? सर गेट के बारे में कुछ चर्चा की है कि इसका गेट निकालना है। जी जी, तो सर निकालेंगे, अब किधर से निकालना है वो सर निकालेंगे, तो सर इसका समाधान निकालेंगे। जी जी। अच्छा, तो सिर्फ छात्रावास में रहना है कि पढ़ना भी है? पढ़ना भी है, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ाई में रहना है। क्या करना है यहाँ से? बहुत नाम कर पढ़ लिख कर बहुत आगे तक जाना है, इस हॉस्टल के बहुत आगे नाम पहुँचाना है, इस हॉस्टल का बहुत आगे तक नाम पहुंचाना है और बहुत आगे तक लेकर जाना। क्या बनिएगा आप लोग? क्या पीएम साहब को देखकर कुछ लगता है? जी जी, बहुत अंदर से उत्साह होता है कि इनके पीछे इनके राह पर चल के हम लोग इनके इतना न पहुंच के, लेकिन कुछ ये यहाँ पर सिर्फ अम्बेडकर समाज के लोग रहते हैं। जी जी जी, आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के पीछे ये जो ये छात्रावास जो बना है, ये काफी खूबसूरत छात्रावास है और इसे अंबेडकर छात्रावास कहा जाता है। वो समाज जो हजारों साल से पिछड़ा रहा, वो समाज जो हजारों साल से दबा रहा, वो समाज जिसकी हजारों साल से जिसे नजरअंदाज किया गया, अब वो सरकार और सरकारी सिस्टम सरकारी मशीनरी का ये कदम है, ये सोच है कि हम उस समाज को समाज के मुख्य धारा में लाए और पूरी तरह से जोड़े। ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें कागजी खाना पूर्ति करे, पूरी तरह से जोड़े। और उस जोड़ने की भूमिका में सबसे बड़ा जो एक अहम कदम उठाया है वो सीतामढ़ी के डॉक्टर रंजीत कुमार जो डीएम है सीतामढ़ी के, जो युवा दिलों की धड़कन है। डीएम साहब का काम कैसा है ये बताइए? इनका काम बहुत अच्छा है, इनके काम से हम लोग काफी खुश है। अब तक जितने डीएम आए हैं उनसे सबसे बेहतर रहे हैं और इनका सोच देख रहे हैं काफी अच्छे है। इनका एक काम हमको सबसे अच्छा पर्सनली हमको अच्छा लगा, जो इथपुर डीएम एक योजना निकाले है जिसमें सीतामढ़ी जिले से 50,000 युवक के ले रहा है, उसमें अपने स्तर से उनको चुनना है और उसको गुप्त अंतर्गत रखना है कि कौन क्या कर रहा है, उसका जानकारी देना है। ये काम हमको सबसे अच्छा लगा उनका। तो ये काम सबसे अच्छा लगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से बताऊं कि सीतामढ़ी भव्यपुर पार्क के पास ही अंबेडकर छात्रावास है जिसकी हालत बेहद बेहद ज्यादा खराब हो गई थी, बिल्कुल वो गिर गई थी। अब सरकार द्वारा अंबेडकर छात्रावास का पुनः निर्माण कराया गया है। बिल्डिंग बेहद खूबसूरत है, आपको आप देख सकते हैं पीछे हमारे ये खूबसूरत सी बिल्डिंग है। अभी तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ है, डीएम साहब इसका रास्ता तय करेंगे कि रास्ता कहाँ से निकाला जाए और जहाँ से छात्र जो है छात्रावास में जाएंगे। और साथ में आप देख रहे थे कि डीएम साहब ने कहा कि हम तुम्हें पढ़ाने भी आएंगे एक दिन और हम तुम्हारी क्लास भी लेंगे। तो ये होता है डीएम जो एक गार्जियन की तरह, एक पिता की तरह, एक अभिभावक की तरह बच्चों से मिलता है। सीतामढ़ी के डीएम की तमाम अच्छी खूबियाँ मैं चाहूँगा कि वॉइस ऑफ सीतामढ़ी के दर्शकों में भी जाए। और आप इस चैनल को देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ सीतामढ़ी विद सलमान सागर और फेसबुक पेज भी हमारा लाइक करें। थैंक यू, शुक्रिया।